हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले फिनोलेक्स शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले फिनोलेक्स शेयर में बाइंग की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। साथ ही हम उसका कंपैरिजन करने वाले हैं दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड और ट्रेंड्स पाइप के साथ। देखिए दोस्तों, हम तीनों शेयर के देखने वाले दोस्तों रिटर्न देखने वाले हैं। तीनों शेयर ने कैसे रिटर्न कमा के दिए दोस्तों। अगर फिनोलेक्स में बाइंग की जा सकती है दोस्तों, तो कौन से बेस पे उस पर बाइंग की जा सकती है। साथ ही हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को, इस चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो अभी इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी अच्छे फंडामेंटल स्टॉक में यहाँ पे वीडियो लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों, लॉन्ग टर्म रिटर्न के देखेंगे दोस्तों, 3560 का रिटर्न, यहाँ पे 60% का रिटर्न इस कंपनी ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कमा के दिया दोस्तों। जिसने भी लॉन्ग टर्म में होल्ड किया दोस्तों, उसने काफ़ी अच्छा इस कंपनी में पैसा कमाया दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों, शेयर काफ़ी वोलेटाइल है दोस्तों, शेयर में अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए अगर आपको इसको होल्ड करना है दोस्तों, तो आपको इसकी वोलेटिलिटी है दोस्तों, इसको आपको सस्टेन करना है दोस्तों, इसको आपको कुछ दिनों के लिए झेलना है दोस्तों। तो डेफिनेटली आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है दोस्तों। लॉन्ग टर्म बेसिस पे शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया दोस्तों, लेकिन शेयर में काफ़ी वोलेटिलिटी है दोस्तों लॉन्ग टर्म बेसिस पे। 5 ईयर रिटर्न की बात करें दोस्तों, 5 ईयर में 160% के रिटर्न इस कंपनी ने दिया है दोस्तों। साथ ही इसमें भी 5 ईयर में भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी इस शेयर में देखने को हमें मिली है। 1 ईयर रिटर्न की बात करेंगे दोस्तों, 100% के रिटर्न, यानी लगभग पैसा इसने 1 साल में डबल किया है दोस्तों। लेकिन विथ वोलेटिलिटी इसमें भी यहाँ पे बनी हुई है दोस्तों, यानी कि शेयर काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको इसमें वोलेटिलिटी अपना देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो आपको इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी जो रिजल्ट Q2 का रिजल्ट आया दोस्तों, यहाँ पे 90% का प्रॉफिट यहाँ पे जंप हुआ दोस्तों। फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड में 233 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ दोस्तों, जो कि जो रिसेंट जो प्रीवियस जो प्रॉफिट था दोस्तों, 122.83 करोड़ का यहाँ पे जो पिछला प्रॉफिट था दोस्तों, उसको बढ़ा के यहाँ पे 233 करोड़, लगभग 90% का यहाँ पे फिनोलेक्स इंडस्ट्री में Q2 रिजल्ट में यहाँ पे प्रॉफिट में जंप देखने को यहाँ पे मिला है। जो प्रीवियस कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे दोस्तों, 802.51 करोड़ के यहाँ पे एक्सपेंसेस थे दोस्तों, अभी वो घट के 460.89 करोड़ के यहाँ पे एक्सपेंसेस हो गए दोस्तों। साथ ही कंपनी के रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो है दोस्तों, 654.34 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ दोस्तों। जो पिछला रेवेन्यू था दोस्तों, 367.83 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू था। पीवीसी पाइप एंड पीटीप सेगमेंट का जो रेवेन्यू था दोस्तों, पिछला जो रेवेन्यू था 500.83 करोड़ का यहाँ पे पिछला रेवेन्यू था दोस्तों, अभी वो बढ़ के 899.60 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू हो चुका है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा यहाँ पे जंप मिला दोस्तों। साथ ही कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे बढ़े दोस्तों, 90% के करीब यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में जंप मिले दोस्तों। डेफिनेटली अगर आपको इसमें बाइंग करनी है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको इस पॉजिटिव न्यूज को यहाँ पे देखना है। इस न्यूज के बेस पे अगर आपको इस कंपनी में बाइंग करना है दोस्तों, कंपनी के फंडामेंटल देख के बाइंग करना है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी के साथ एंट्री ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी दमदार है। सर डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बाइंग यहाँ से हो सकती है दोस्तों, आपको इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते दोस्तों, अगर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो FD से काफ़ी ज़्यादा ये रिटर्न यहाँ पे कमा सकता है दोस्तों। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो, शेयर इंट्रेंसिक वैल्यू से थोड़ा महंगा है दोस्तों, तो डेफिनेटली आपको ओवर सोल्ड जोन में या फिर फियर जोन में बिलो 40 जब RSI रहता है दोस्तों, वहाँ पे आप इसमें इस शेयर में एंट्री ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको डेफिनेटली अच्छा खासा शेयर आपको मुनाफा कमा के दे सकता है। साथ ही आप देखेंगे दोस्तों, कंपनी ऑफर गुड डिविडेंड रिटर्न, काफ़ी अच्छा कंपनी रिटर्न देते है यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। साथ ही शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्री लेने के लिए अच्छा मौका ये शेयर अभी दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, फिलहाल शेयर में कोई रेड फ्लैग नहीं लगा दोस्तों, यहाँ पे कोई ASM या फिर GSM लिस्ट में शेयर नहीं है दोस्तों, तो डेफिनेटली अच्छा मौका है दोस्तों, यहाँ से कम चांसेस है शेयर के नीचे जाने के, क्योंकि SEBI के अभी निगरानी में शेयर नहीं है दोस्तों, ASM GSM लिस्ट से बाहर है दोस्तों, तो डेफिनेटली आज शेयर में बाइंग हो सकती है दोस्तों, यहाँ से शेयर ऊपर जा सकता है दोस्तों, क्योंकि शेयर में कोई यहाँ पर रेड फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है निपको नहीं दिख रहा है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करेंगे दोस्तों, 14,411 करोड़ की कंपनी के मार्केट कैपिटल है दोस्तों। करंट प्राइस 232 का है।
बुक वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों 56.4 की बुक वैल्यू है, पी रेशियो की बात करेंगे 15.4 का पी है दोस्तों, आरओसी की बात करेंगे तो 35.6% का आरओसी है, आरओई की बात करेंगे तो 28.8% का आरओई है, डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं दोस्तों 0.86% की डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू इसका 2 का यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी ने अपना डेप्थ रिड्यूस किया है दोस्तों, कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेप है दोस्तों, कंपनी अच्छे खासे फ्यूचर में रिजल्ट एक्सपेक्ट कर से दोस्तों, जो क्वार्टरली रिजल्ट है दोस्तों कंपनी एक्सपेक्ट अच्छे खासे यहाँ पे कर रही है दोस्तों, यहाँ पे क्वार्टर टू का रिजल्ट भी अच्छा है दोस्तों, फ्यूचर में भी कंपनी अच्छे खासे रिजल्ट एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकती है। कंपनी ने जो 5 ईयर में जो ग्रोथ की है दोस्तों, CAGR ग्रोथ कंपनी की 26.04% की यहाँ पे आपको दिख रही होगी दोस्तों। साथ ही अब हमने यहाँ पे देखा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती है दोस्तों, लगभग 34.91% का कंपनी यहाँ पे हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, तो दोस्तों आपको इस पॉजिटिव पॉइंट को भी यहाँ पे देखना है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते दोस्तों 66% एनालिस्ट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं दोस्तों कि इस कंपनी में बाइंग की जा सकती है। देखिए दोस्तों जब एक्सपर्ट एनालिस्ट कहते हैं तो कंपनी के फंडामेंटल बेस पे, कंपनी के जो प्रॉफिट है दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बेस पे यहाँ पे रेटिंग देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 66% एक्सपर्ट एनालिस्ट जो लोग रहते हैं उन्होंने यहाँ पे रेटिंग दी सकते हैं दोस्तों, इसमें बाइंग की जा सकती है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 2018 से 2021 में कंपनी का प्रॉफिट कंटिन्यूस यहाँ पे बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यूस यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू हमें बढ़ते हुए दिख रहे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे 2020 में जब यहाँ पे कोविड आया था दोस्तों इंडिया में, तब यहाँ पे थोड़ा सेल डाउन हुआ दोस्तों, साथ ही इसके रेवेन्यू भी डाउन हुए दोस्तों, उसके बाद काफ़ी अच्छी हमें 2021 में यहाँ पे जम्प देखने को मिली दोस्तों, साथ ही यहाँ पे क्वार्टर टू में भी काफ़ी अच्छी हमें जम्प देखने को मिली, तो कंपनी के रेवेन्यू अच्छे है दोस्तों, कंपनी के सेल भी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी जिससे कंपनी ग्रो हो रही है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सोच सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे, लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कांस्टेंट रखी है दोस्तों, लास्ट 3 मंथ में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट यहाँ पर रखी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें कि दोस्तों 52.47% की प्रमोटर की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 10.64 की होल्डिंग है दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 0.03% की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने होल्डिंग रखी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 4.31% की होल्डिंग है, रिटेलर पब्लिक की बात करेंगे 32.55% की होल्डिंग है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पब्लिक ने हो गया दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने हो गया दोस्तों, प्रमोटर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग रखी है दोस्तों, तो डेफिनेटली इसके प्रॉफिट के बेस पे दोस्तों इसके जो रेवेन्यू बढ़े उसके बेस पे यहाँ पे FS होल्डिंग बढ़ा सकता है दोस्तों, DIS भी आपको होल्डिंग बढ़ाते हो अगर आपको दिखे दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको उस शेयर के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग होल्डिंग बढ़ा रहे दोस्तों, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इसमें फ्यूचर में हो सकता है। देखिए अगर आपको फिनोलिक्स इंडस्ट्री में बाइंग करनी है दोस्तों, उसके पहले आपको एस्टेल लिमिटेड के बारे में सोचना है दोस्तों, एस्टेल लिमिटेड का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 35,458% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमा के दिया दोस्तों, साथ ही कंपनी यहाँ पे सेक्टर लीडर है दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट फिनोलिक्स से काफ़ी अच्छे दोस्तों, कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा दोस्तों, मार्केट शेयर की बात करें दोस्तों एस्टेल लिमिटेड के पास फिनोलिक्स से काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है दोस्तों, और कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया दोस्तों, कंपनी यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पे कंटिन्यू पेश करती है दोस्तों, साथ ही कंपनी में कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपाउंडिंग होती है दोस्तों, तो एस्टेल लिमिटेड को आपको सबसे पहले बाय करना है दोस्तों, क्योंकि ये सेक्टर लीडर, उसके बाद ही आपको फिनोलिक्स शेयर के बारे में सोचना है। देखिए दोस्तों अगर आप एस्टेल लिमिटेड को नहीं लेना है दोस्तों, अगर आप फिनोलिक्स के बारे में सोचना है दोस्तों, तो आप प्रिंस पाइप के बारे में भी सोच सकते हैं दोस्तों, प्रिंस पाइप भी काफ़ी अच्छी कंपनी है दोस्तों, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, कंपनी के रेवेन्यू भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं दोस्तों, कंपनी ने लिस्टिंग के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए दोस्तों, कंपनी न्यूली लिस्टेड है लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे दोस्तों, काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट कंपनी बनाती है दोस्तों, और काफ़ी अच्छे एस्टेल होकर दोस्तों फिनोलिक्स को काफ़ी अच्छे टेक्कर दे रही थी, आपको यहाँ पर दिख सकती है दोस्तों, कंपनी अच्छी है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्री है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप उसके भी बारे में सोच सकते हैं। फिनोलिक्स इंडस्ट्री की बात करेंगे दोस्तों, अभी 232 का प्राइस है दोस्तों, डेफिनेटली अगर आपको शेयर 40 के नीचे आ रहे से मिलता है दोस्तों, फियर जोन में या फिर ओवरसोल्ड जोन में शेयर मिलता है दोस्तों, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, आप अगर इसमें कुछ क्वांटिटी बाइंग कर रहे दोस्तों, डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको फ्यूचर में मुनाफा कमा के दे सकती है। देखिए दोस्तों कंपनी अच्छी दोस्तों, एस्टेल लिमिटेड अच्छी है दोस्तों, प्रिंस पाइप अच्छी है, फिनोलिक्स पाइप अच्छा है दोस्तों,
सोचना आपको दोस्तों, आपको कौन से शेयर में बाइंग करना है दोस्तों। तीनों शेयर अच्छे दोस्तों, तीनों शेयर लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं दोस्तों। फंडामेंटल तीनों के स्ट्रांग है दोस्तों, अच्छे खासे तीनों कंपनियां प्रॉफिट बना रही, तो कंपनी के अच्छे खासे सेल बन के आ रहे हैं दोस्तों। तो डेफिनेटली आप इस शेयर के बारे में सोचना है दोस्तों। लेकिन आपको ऊपर के लेवल पर किसी भी शेयर को बाय नहीं करना दोस्तों, आपको फियर में बाय करना है दोस्तों। आपको ओवरसोल्ड जोन में शॉर्ट टर्म बेसिस पे जब शेयर मिल रहा है दोस्तों, तभी आपको किसी भी शेयर में एंट्री लेनी है दोस्तों। कंपनी अच्छी है, डिसीजन आपका है दोस्तों, पैसा आपका है, आपको ये सोचना है दोस्तों कब किसमें एंट्री लेने दोस्तों। अगर एंट्री लेते तो बस लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, पैसा बनेगा दोस्तों। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।